सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने। नमस्ते दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाला है, जिससे आप सभी इसके थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं। आज हम मल्टीपल इंजेक्शन के बारे में सीखने वाले हैं, जो आपका हॉस्पिटल द्वारा, क्लिनिकल स्टाफ द्वारा, साथ ही साथ फार्मासिस्ट द्वारा भी प्रयोग में लिया जाता है। हम मल्टीपल इंजेक्शन्स के बारे में सीखेंगे कि वह जो इंजेक्शन्स है वह किस प्रकार के प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए आपका प्रयोग में लिया जाता है। बट मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आप उनमें से किसी भी इंजेक्शन के बारे में पार्टिकुलर सीखना चाहते हैं तो सबके लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर कुछ जो आई बटन्स पे आपको सिलेक्ट कर दिया है हमने, वहाँ पे भी क्लिक करके आप पार्टिकुलर उन इंजेक्शन के बारे में भी सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम क्लिनिकल यूज के लिए या फिर फार्मासिस्ट यूज के लिए अगर हम इंजेक्शन के लिस्ट की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है आपका जेंटामाइसिन, जो कि आपका एक एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन है और बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यदि व्यक्ति के बॉडी पर किसी प्रकार का बैक्टीरिया इन्फेक्शन देखा जा रहा हो, जिसमें व्यक्ति के बॉडी पर कट लग गई हो, कोई घाव हो गया हो, कान में किसी प्रकार का बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया हो, आंख में हो गया हो, यूटीआई का इन्फेक्शन हो गया हो, तो उन सारे कंडीशंस में डॉक्टर आपको जेंटामाइसिन इंजेक्शन लगाते हैं। इसके अलावा मोस्टली जो इंजेक्शन प्रयोग में लिया जाता है वह आपका पेंटाप्राजोल इंजेक्शन प्रयोग में लिया जाता है। यह जो पेंटाप्राजोल इंजेक्शन है यह आपका एक पीपीआई होता है, मतलब यह हमारे पेट में बनने वाले जो एक्स्ट्रा एसिड का सिक्रेशन है, मतलब सिंपल शब्दों में गैस को ठीक करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा गैस को ठीक करने के लिए आपका रैनिटेटिक इंजेक्शन, मतलब रैनिटिडिन इंजेक्शन भी प्रयोग में लिया जाता है। आगे जो अब एक इंजेक्शन है दोस्तों, जिसका नाम आपका एविल नाम होता है, यह जो इंजेक्शन है यह एक एंटीहिस्टामाइन कैटेगरी की दवा होती है, जिसका प्रयोग आपको एलर्जी कंडीशंस को ठीक करने के लिए किया जाता है। यदि व्यक्ति के बॉडी में किसी प्रकार का एलर्जी सिम्टम्स दिख रहा हो या फिर किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स में कोई एलर्जी सिम्टम्स दिख रहा हो तो उसे भी प्रिवेंट एवं ठीक करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। फोर्थ नंबर के जो इंजेक्शन है दोस्तों, वह है आपका डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन, जो कि आपका एक पेन किलर इंजेक्शन होता है। यदि व्यक्ति को किसी प्रकार का पेन हो रहा होता है और जब वो अपने डॉक्टर से मिलता है या फिर अपने फार्मासिस्ट से मिलता है तो वहाँ पे जो डॉक्टर है वह आपको डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन प्रयोग में लेते हैं, मतलब पेन रिलीविंग के तौर पे इसका सिर्फ प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ नंबर पे जो इंजेक्शन आते हैं वह आता है आपका एक ट्रेनेक्जामिक एसिड इंजेक्शन, जिसे ब्रांड नेम ट्रेनेक्जा के नाम से जाना जाता है। जब कोई पेशेंट जिनको अत्यधिक ब्लीडिंग हो रहा होता है और ब्लीडिंग उसका कंट्रोल ना हो रहा होता है तो वहां पे डॉक्टर द्वारा वह ट्रेनेक्जामिक एसिड इंजेक्शन प्रयोग में लिया जाता है। उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और उसका जो ब्लीडिंग होता है पेशेंट का वह कंट्रोल हो जाता है, मतलब ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए आपका ट्रेनेक्जामिक एसिड प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा क्लिनिक पे आपको एक डेक्सोना इंजेक्शन भी मिल जाती है, जिसका जो मूल कॉम्पोजिशन होता है वह आपका डेक्सामेथासोन होता है, जो कि आपका एक स्टेरॉयड है। यह जो स्टेरॉयड इंजेक्शन होता है, व्यक्ति को यदि किसी प्रकार का स्किन एलर्जी दिख रहा हो, इन्फ्लामेशन दिख रही हो, कॉमन कोल्ड की समस्या दिख रही हो, या फिर कई बार मेडिसिन के साथ भी किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट दिख रहा हो, वहां पे इस स्टेरॉयड इंजेक्शन मतलब डेक्सोना इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ आपको फार्मेसी पे एवं क्लिनिक में एक मोनोसेफ नाम का भी इंजेक्शन आता है, जिसकी जो मूल कॉम्पोजिशन होती है वह आपका सेफ्ट्रियाजोन होता है, जो कि 1 ग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। यह भी आपका एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, जिसका प्रयोग बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ही ठीक करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सेम टू सेम आपका जेंटामाइसिन की जगह पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कई बार सेफ्ट्रियाजोन के साथ जेंटामाइसिन एवं स्टेरॉयड डेक्सामेथासोन को भी मिक्स करके डॉक्टर जो है वो पेशेंट को लगाते हैं और पेशेंट का जो कंडीशन होता है और जो इलनेस होती है वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा आपको क्लिनिक पे एवं फार्मासी के पास आपको कुछ एमबीआई इंजेक्शंस भी मिल जाते हैं, मल्टीविटामिन इंजेक्शन, जैसे कि न्यूरोकाइंड गोल्ड, पॉलीबियन एवं एमबीआई। ये तीनों आपको एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, जो कि आपका व्यक्ति के बॉडी में यदि ब्लड लॉस की समस्या हो गई हो, एनर्जी की कमी हो गई हो, या फिर एनीमिया की शिकायत हो पेशेंट को, तो उन सारे कंडीशंस में डॉक्टर द्वारा यह जो मल्टीविटामिन्स हैं वह प्रयोग में दिया जाता है। एट द लास्ट, अब जो लास्ट जो इंजेक्शन प्रयोग में लिया जाता है वह है आपका एक ओंडेंसेट्रोन इंजेक्शन, जिसे ब्रांड नेम ओंडेम के नाम से आप जानते होंगे। यह ओंडेंसेट्रोन इंजेक्शन आपको वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। यदि व्यक्ति को वोमिटिंग होती है और कोई पेशेंट उसके पास आता है जिसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, तो वहाँ पर आपका यही इंजेक्शन प्रयोग में लिया जाता है ओंडेंसेट्रोन, और अच्छा रिजल्ट दिखाता है।
तो फ्रेंड्स, ये हमने आपको कुछ इंजेक्शंस के बारे में बताए हैं, बट इससे पहले हमने इन सारे इंजेक्शंस के बारे में पार्टिकुलर वीडियो बना रखा है। यदि आप में से कोई फ्रेंड जो कि हर एक इंजेक्शन के बारे में प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं जिसका हमने वीडियो के लास्ट में इंड स्क्रीन में ऐड कर रखा है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके प्लेलिस्ट सेक्शन से आप पार्टिकुलर हर एक इंजेक्शन के बारे में सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट को मैंने फुलफिल किया हो। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह किसी और के भी काम आ सके। मैं हूं आपका दोस्त किशन, तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।